हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी बी सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अभी हम लोग का एस पी पी ओ होने वाला है, जिनका भी उनका मेंस है उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और अभी जो हम जो बाकी का बचा हुआ है हमारे पास 10 से 12-14 दिन जो बचा हुआ है, इसी में हम जो प्रिपरेशन करते हैं उन्हीं से हमारा रिजल्ट डिसाइड होगा कि हमारा होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइम को जिनका भी मेल्स है उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए। जिनका एस पी आई पी ओ नहीं हुआ है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी आई बी पी एस पी ओ का रिजल्ट आना बाकी है और आई एस क्लर्क का रिजल्ट भी आना बाकी है, तो उसके भी मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बट ये लोग जो कन्फ्यूजन करते रहते हैं कि मैं मेंस की करूँ या नहीं करूँ, कम अटैम्प्ट ज़्यादा अटैम्प्ट, आपको मैं इतना ही कहूँगा कितने भी अटैम्प्ट हुए हो आप मेंस करी पर हो, कभी भी आपको कुछ भी पढ़ते हो तो आपके लिए वो खड़ा भी नहीं करेगा, वो आपको आगे कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ही। और आपको सिलेबस तो सेम ही है ना, पैटर्न तो सेम ही है, लेवल का फ़र्क है। तो आप अच्छा है ना कि आप हाई लेवल क्वेश्चंस पहले से करोगे तो और आपको बेनिफिट ही रहेगा आगे आपके लिए। ठीक है, वैसे भी प्री मेंस को साथ करना चाहिए, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। आप कितने भी अटैम्प्ट हुए, 40 अटैम्प्ट क्यों नहीं हुए, आप मेंस की प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो आपको बस मैं ये कहूँगा कि कल मैंने स्ट्रेटजी वीडियो इससे रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिया था और आज मैं जीए के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बैंक एग्जामिनेशन के मेंस सेक्शन में। तो मेंस में एक सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम यदि अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। मैं क्वांट और रीजनिंग से मुझे तो आसान जीए सेक्शन लगता था हमेशा से, जब भी मैं एग्जाम में बैठा हुआ और मेरे मार्क्स भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जीए में अच्छे रहे हैं हमेशा से। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जिस मंथ आपका एग्जाम होने वाला है उसे 6 मंथ, जैसे अभी आपको जून से लेकर दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अब बोलते हैं कि लोग करंट अफेयर्स कहाँ से करें, करंट अफेयर्स डेली करने की चीज़ है, ये आप एक बार में नहीं कर सकते हो जो पैटर्न होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि करंट अफेयर्स आप डेली करोगे तो किसी आप एक वीडियो सोर्स को फॉलो करो, उसके पीडीएफ से रिवीजन करो और फिर आप कर सकते हो कि उसको वीकली रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, या अभी तक आपने नहीं किया है या इधर कर रहे हो आप, तो आपको मैं ये कहूँगा आप हर 2 दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करो आपको, क्योंकि ये करना पड़ेगा और थोड़ा आपके लिए हैक्टिक होगा बट ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, बैंकिंग करंट करना पड़ेगा, बैंकिंग अवेयरनेस करना पड़ेगा। बहुत सारे बोलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस आप कहाँ से करते थे, मैं बैंकिंग अवेयरनेस एक तो स्टडी आई क्यू से करता था, करंट अफेयर्स भी मैं वहीं से करता था, स्टडी आई क्यू के पेड कोर्स उनके जो होता है सरकार करंट अफेयर्स वहाँ से करता था बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। कंप्यूटर के लिए मैं अड्डा का एक कंप्यूटर अवेयरनेस खरीदा हुआ था, वहाँ से मैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस करता था, उसको मैंने रट ही लिया था अड्डा वाला जितना था, और क्वेश्चंस उससे बाहर के मतलब आते भी नहीं है, तो उतना कोई इशू नहीं है कि आपको उसमें से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप उसको रट जाओ। अड्डा का कैप्सूल आता है एक करके, उस कैप्सूल को आप रख सकते हो, याद कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, और यदि आप फॉलो करते हो कहीं पर, अभी आप किसी को रेगुलर डेली वाला वीडियो फॉलो मत करो करंट अफेयर्स का, क्योंकि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं आशीष गौतम सर को अभी से फॉलो करूँ या उनको फॉलो करूँ, तो अभी से फॉलो, यदि आपको अभी मेल्स देना है तो अभी, यदि एस बी आई पी ओ का स्पेशली मेल्स है तो आप स्पेशली उनको अभी फॉलो मत करिए। हाँ, आई पी एस क्लर्क का मेल्स देना है तो आप करिए, बट आपको प्रीवियस करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो आपको अभी जिनका आई पी एस पी ओ है तो वो तो कर सकते हैं 3-4 दिन में 1 मंथ का कवर करिए, बट जिनका एस बी आई पी ओ है प्रीलिम्स निकल गया वो जीए साफ ही नहीं पढ़े, तो आप 2 दिन में 1 मंथ का जीए करने की कोशिश करिए। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे पता है 1 मंथ का करंट है, बट आप मेन टॉपिक कहीं से जैसे कि किसी भी का मंथली पीडीएफ होता है तो मंथली पीडीएफ से आप उसको एक बार एक नज़र देख लीजिए बढ़िया से, और ऐसे देखिए कि जैसे आपको वो याद रह जाए बाद में। ठीक है, तो आप एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप ना उसको पीडीएफ से पढ़ो एक बार, वीडियो सोर्स से देखना चाहो तो मंथली यदि वीडियो कहीं पर अवेलेबल है, आई डोंट थिंक कि कहीं पर अवेलेबल होगा, बट यदि किसी प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे नहीं जानता, मैंने स्टडी आई क्यू को ही देखा है, तो यदि कहीं पे है मंथ जैसे मंथली बताते हैं तो आप मंथली वीडियोस देखिए और उसके पीडीएफ से रिवीजन करिए, क्योंकि आप वीडियो देख के जो उसी के पीडीएफ से रिवीजन करते हैं तो आपको वो चीज़ एग्जैक्ट याद हो जाती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं फॉलो, और आपको 6 मंथ का करना पड़ेगा। और बैंकिंग अवेयरनेस आप कर सकते हैं कहीं से भी, वो जो एक फिक्स बैंकिंग अवेयरनेस है वो तो आप कर कहीं से भी, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, तो वहाँ से या कैप्सूल आता है अड्डा का, आप उसके साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या उसके ऐप से, तो वो करके आप याद कर लीजिए उसको। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि उसको, और एक स्टैटिक में कुछ लोग पूछते रहते हैं कि स्टैटिक को कैसे करें, देखिए स्टैटिक का उतना रोल नहीं होता मेन, आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स का ही 60-70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन स्टैटिक से आते हैं,
करेंसी हो गया, कंट्री का करेंसी और बैंक और सीईओ वगैरह, जो भी कंपनी वगैरह का सीईओ वगैरह होता है, या वाइल्ड लाइफ वाला जो क्वेश्चन आता है, वन जीव अभयारण्य वाला, तो वो सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो सब फिक्स होता है कुछ, तो वो आप कर लीजिए। बुक एंड ऑर्डर नहीं भी करेगा तो उसे एक एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना आप कर लीजिए, बैंकिंग करंट और करंट आप वहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि करंट करना एक 12-14 दिन के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, बट जो लोग कर रहे हैं तो उनके तो बहुत सही है। आप लोग रिविजन करिए, जो लोग कर चुके हैं पहले तो वो रिविजन करिए अभी से लेकर, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, अभी मैं जून जुलाई अगस्त का रिविजन कर रहा हूँ, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर का करूँगा, फिर दिसंबर करके फिर मैं एग्जाम ही जाऊँगा। तो ऐसे आप यदि पहले से कर रहे हो तो बहुत बहुत बढ़िया आपके लिए, नहीं कर रहे हो तो अभी थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जीए को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जीए स्कोरिंग पेपर है, ये बात आप समझ लीजिए। और जीए से अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं, मतलब किसी भी आप पूछोगे, जिन्होंने भी मेंस क्वालिफाई किया तो आपको बताएंगे कि जीए का रोल क्या होता है, मतलब मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो आप जीए को अच्छे से करिए, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सबका सिलेक्शन हो, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत करिए, जीए को आप टाइम देते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।